हेलो जी, नमस्ते। छत्तीसगढ़ रोजगार न्यूज़ के एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय चौहान और आपके लिए एक और नई भर्ती की नई नोटिफिकेशन लेकर के आ गए हैं। नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से 1377 पद की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का जो है प्रकाशन किया गया है। नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो है यहाँ पर भर्तियाँ निकाली गई हैं, जिसमें 1377 पदों पर जो है भर्तियाँ की जाएंगी। 1377 पद की जो भर्ती है यहाँ पर हेडक्वार्टर रीजनल ऑफिसर और जवाहर नवोदय विद्यालय के अंतर्गत जो है यहाँ पर की जाएगी, यानी कि तीन अलग अलग लोकेशनों के अंतर्गत जो है यहाँ पर 1377 पदों पर जो है भर्तियाँ की जाएंगी। 1377 पद की इस भर्ती में ऑल ओवर इंडिया के महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी जो है यहाँ पर आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। जिन अभ्यर्थियों की योग्यता 10वीं पास करने, 12वीं पास करने, स्नातक पास करने, स्नातकोत्तर पास करने, ITI पास करने की है, फिर जो है वीडियो को जरूर देखिए। 10वीं पास से लेकर के स्नातकोत्तर पास तक अभ्यर्थियों के लिए जो है यहाँ पर भर्तियाँ निकाली गई हैं। जिन अभ्यर्थियों के पास कंप्यूटर की डिग्रियाँ हैं, ITI की डिग्रियाँ हैं, उनके लिए भी जो है यहाँ पर पद रखे गए हैं। स्टाफ नर्स की भी जो है यहाँ पर भर्तियाँ की जा रही हैं। तो अलग अलग पद की जो भर्ती है अलग अलग लोकेशनों के अंतर्गत जो है यहाँ पर की जाएगी। तो कौन से लोकेशन में कौन सी पदों की भर्ती होगी, वेतन आपको कितना मिलेगा, योग्यता क्या रखी गई है, चयन की प्रक्रिया किस तरीके से होगी, किस तरीके से आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे, परीक्षा का पैटर्न किस तरीके से होगा, सिलेबस क्या है, संपूर्ण जानकारी जो है आपको इस वीडियो में जो है देखने को यहाँ पर मिलेगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आने पर वीडियो का लाइक करना ना भूलिए। चलिए जानते हैं नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से निकाली गई नॉन टीचिंग पोस्ट की भर्ती की प्रक्रिया के बारे में। सबसे पहली नंबर की जो पद यहाँ पर रखी गई है फीमेल स्टाफ नर्स की, जो कि ग्रुप बी की पद है, जिसमें 121 पदों पर जो है फीमेल स्टाफ नर्स की भर्तियाँ की जाएंगी। दूसरे नंबर की जो पद रखी गई है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, जिसमें केवल 5 पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी। तीसरे नंबर की पद है ऑडिट असिस्टेंट, जो कि ग्रुप बी की पद है, इसमें केवल 12 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। चौथे नंबर की पद है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की, जिसमें केवल 4 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। पाँचवें नंबर की पद है लीगल असिस्टेंट की, जिसमें केवल 1 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। छठे नंबर की पद निकाली गई है स्टेनोग्राफर, जो कि ग्रुप सी का पद है और इसमें केवल 23 पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी। सातवें नंबर का जो पद निकाला गया है कंप्यूटर ऑपरेटर, जो कि ग्रुप सी का पद है, इसमें केवल 2 पदों पर जो है कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्तियां की जाएंगी। अगली पद है कैटरिंग सुपरवाइज़र, कैटरिंग सुपरवाइज़र भी ग्रुप सी का पद है, जिसमें 78 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। अगली पद है यहां पर जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की 2 अलग अलग कैटेगरी में जो है भर्तियाँ की जा रही हैं। पहली जो भर्ती है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की, इसका जो भर्ती है हेडक्वार्टर के अंतर्गत और रीजनल ऑफिसर के अंतर्गत जो है ऑफिस के अंतर्गत जो है यहाँ पर किया जाएगा। तो पहले वाले जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की जो भर्ती है इसमें केवल 21 पदों पर जो है भर्तियाँ की जाएंगी, और दूसरी कैटेगरी की जो जूनियर सेक्रेटरियल ऑफिसर असिस्टेंट की जो भर्ती है जवाहर नवोदय विद्यालय के अंतर्गत जो है यहाँ पर की जाएगी, और दूसरे कैटेगरी वाली जो जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की भर्ती है इसमें 360 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। तो जो भी अभ्यर्थी जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के पद के लिए अगर आवेदन प्रस्तुत करना चाहेंगे तो उनको जो है यहाँ पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि दोनों ही पद का जो पद कोड है यानी कि पोस्ट कोड है वो अलग अलग है, और दोनों में अलग अलग मात्रा में जो है यहाँ पर अलग अलग संख्याओं में जो है भर्तियाँ की जा रही हैं, और इनका जॉब लोकेशन भी जो है अलग अलग है। तो जिस भी जॉब लोकेशन के लिए आप अप्लाई करना चाहेंगे उसका जो है ध्यान जरूर रखिए। पहले नंबर वाले में 21 पदों पर भर्ती होगी और दूसरे नंबर वाले में 360 पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी। अगली जो पद यहाँ पर निकाली गई है इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की, जिसमें केवल 128 पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी। अगली पद है लैब अटेंडेंट, जिसमें 161 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। अगली पद है मेस हेल्पर की, जिसमें 442 पदों पर जो है भर्तियां की जाएंगी। तो सबसे ज़्यादा जो भर्ती है मेस के हेल्पर की जो है यहां पर की जा रही है, जो कि मेस में हेल्पर का काम करेंगे उनके लिए जो है सबसे ज़्यादा पदों पर भर्ती हो रही है। और अगली जो पद यहाँ पर रखी गई है मल्टी टास्किंग स्टाफ, जिसमें केवल 19 पदों पर जो है यहाँ पर की जाएंगी। तो टोटल 14 अलग अलग कैटेगरी में जो है 1377 पदों पर जो है भर्तियाँ की जाएंगी। 1377 पद की इस भर्ती में ऑल ओवर इंडिया के महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी ऑनलाइन के माध्यम से जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वहीं बात करें इस भर्ती के लिए योग्यता के संबंध में और वेतन आपको कितना मिलेगा, उम्र सीमा क्या रखी गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो सबसे पहले नंबर का जो पद यहाँ पर निकाला गया है फीमेल स्टाफ नर्स का, जिसमें आपको पे लेवल 7 के आधार पर प्रतिमाह जो है यहाँ पर वेतन देखने को मिलेगा,
और अधिकतम जो उम्र सीमा है 35 वर्ष यहाँ पर रखी गई है। और इस भर्ती के लिए बात करें क्वालिफिकेशन की, तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने रेगुलर बेस पर बीएससी किया हुआ है, बीएससी नर्सिंग का जिनके पास डिग्री है या फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं, वे जो है इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगली जो पद यहाँ पर निकाली गई है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसमें पे लेवल 6 के आधार पर आपको प्रतिमाह वेतन देखने को मिलेगा। 23 से लेकर के 33 वर्ष तक के अभ्यर्थी इस पद के लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। और इस भर्ती के लिए बात करें एजुकेशन की, तो बैचलर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और 3 साल का जो है यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो जिन अभ्यर्थियों के पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, वे जो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। अगले नंबर की जो पद यहाँ पर निकाली गई है ऑडिट असिस्टेंट, जिसमें पे लेवल 6 के आधार पर आपको वेतन जो है देखने को यहाँ पर मिलेगा। 18 से लेकर के 30 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। और इस भर्ती के लिए बीकॉम होना ज़रूरी है, यानी कि जिन अभ्यर्थियों की योग्यता बीकॉम की है और जिनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है फाइनेंस संबंधी काम करने का, ऑडिट संबंधी काम करने का, वे जो है अप्लाई कर पाएंगे। अगली पद यहाँ पर निकाली गई है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जिसमें पे लेवल 6 के आधार पर वेतन जो है दिया जाएगा। उम्र सीमा जो है 32 वर्ष से अधिक की जो है यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। पे लेवल 6 के आधार पर इनको जो है वेतन देखने को मिलेगा और मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी या फिर इंग्लिश सब्जेक्ट में, आप इसके लिए जो है अप्लाई कर पाएंगे। अगली जो पद यहाँ पर निकाली गई है 5वें नंबर की जो पद है लीगल असिस्टेंट, जिसमें पे लेवल 6 के आधार पर प्रतिमा जो है आपको वेतन देखने को मिलेगा। 23 से लेकर के 35 वर्ष तक के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे और लॉ की डिग्री जिनके पास है वे जो है इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। 6वें नंबर के जो पद निकाली गई है स्टेनोग्राफर की, जिसमें पे लेवल 4 के आधार पर आपको प्रतिमा जो है वेतन देखने को मिलेगा। 18 से लेकर के 27 वर्ष के बीच में उम्र सीमा जो है यहाँ पर होनी चाहिए। और जो अभ्यर्थी स्टेनोग्राफर के पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत करना चाहेंगे, उनके पास 12वीं कक्षा की जो है यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी गई है और कंप्यूटर की जो है डिग्री होनी चाहिए। और कंप्यूटर में आपने 3 मंथ का, 6 मंथ का या फिर साल वर्षीय किसी तरह का कोर्स किया हुआ है तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसमें स्किल टेस्ट जो है यहाँ पर लिया जाएगा। इंग्लिश के लिए 50 शब्द प्रति मिनट और हिंदी के लिए 65 शब्द प्रति मिनट की जो है यहाँ पर टेस्ट जो है आपसे लिया जाएगा। वहीं अगली जो पद यहाँ पर निकाली गई है 7वें नंबर की कंप्यूटर ऑपरेटर, तो कंप्यूटर ऑपरेटर में पे लेवल 4 के आधार पर आपको वेतन देखने को मिलेगा। 18 से 30 वर्ष तक की जो है उम्र सीमा यहाँ पर रखी गई है। और कंप्यूटर ऑपरेटर के पद के लिए बात करें क्वालिफिकेशन की, तो जिन अभ्यर्थियों के पास BCA या फिर BSc की डिग्रियां हैं कंप्यूटर साइंस या फिर IT के अंतर्गत, वे जो है अप्लाई कर पाएंगे। या फिर जिन्होंने BE किया हुआ है कंप्यूटर के अंतर्गत या फिर BTech की जिनके पास डिग्री है कंप्यूटर साइंस में, वे भी जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। अगली जो पद है 8वें नंबर की कैटरिंग सुपरवाइज़र, तो कैटरिंग सुपरवाइज़र में जो है यहाँ पर पे लेवल 4 के आधार पर आपको प्रतिमा वेतन देखने को मिलेगा। अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष यहाँ पर रखी गई है। तो जिनके पास बैचलर डिग्री है होटल मैनेजमेंट के अंतर्गत, वे जो हैं कैटरिंग सुपरवाइज़र के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। अगली जो पद यहाँ पर निकाली गई है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, और ये जो जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की भर्ती है, इसमें हेड क्वार्टर के अंतर्गत और रीजनल ऑफिस के अंतर्गत जो है भर्तियाँ की जाएंगी। इसमें पे लेवल 2 के आधार पर आपको वेतन देखने को जो है यहाँ पर मिलेगा। उम्र सीमा 18 से 27 वर्ष के बीच में जो है रखी गई है। और जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के पद के लिए जो बात करें क्वालिफिकेशन की, तो आपके पास 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पास आपके पास कंप्यूटर की डिग्री है, आप इसके लिए आवेदन जो है प्रस्तुत यहाँ पर कर पाएंगे। अगली जो पद हैं दोबारा से जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट दूसरी कैटेगरी के अंतर्गत, इसमें भी पे लेवल 2 के आधार पर आपको जो है प्रतिमा वेतन दिया जाएगा। 18 से 27 वर्ष की उम्र सीमा जो है रखी गई है। तो जिन अभ्यर्थियों की योग्यता 12वीं कक्षा की है और जिनके पास कंप्यूटर की डिग्री है, वे जो है इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और अगली जो पद यहाँ पर 11वें नंबर के जो पद निकाली गई है इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की, जिसमें पे लेवल 2 के आधार पर आपको वेतन देखने को मिलेगा। 18 से लेकर के 40 वर्ष तक के अभ्यर्थी इसके लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के पद के लिए बात करें क्वालिफिकेशन की, तो 10वीं कक्षा पास होना जरूरी है, साथ ही साथ 10वीं कक्षा के बाद ITI होना जरूरी है। ITI की जो डिग्रियां हैं इलेक्ट्रीशियन या फिर वायरमैन के अंतर्गत यहाँ पर होना चाहिए, तब आप इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। 12वें नंबर का जो पद निकाला गया है लैब अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट में पे लेवल 1 के आधार पर आपको जो है प्रतिमाह वेतन देखने को मिलेगा। 18 से 30 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। और इस भर्ती के लिए बात करें क्वालिफिकेशन की, तो ऐसे अभ्यर्थी जिनकी योग्यता 10वीं कक्षा पास करने की है और जिन्होंने लेबोरेटरी टेक्निशियन के अंतर्गत जो है डिप्लोमा किया हुआ है, या फिर ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 12वीं कक्षा साइंस सब्जेक्ट के साथ पास किए हुए हैं, वे जो हैं लैब अटेंडेंट के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे।
13वें नंबर की जो पद निकाली गई है मेस हेल्पर की, जिसमें पे लेवल 1 के आधार पर आपको जो है वेतन देखने को मिलेगा। 18 से 30 वर्ष के अभ्यर्थी जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। और 10वीं कक्षा की क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर मेस हेल्पर के लिए रखी गई है, लेकिन इसमें 5 वर्षों का एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर मांगा गया है। तो जिन अभ्यर्थियों के पास 5 वर्षों का एक्सपीरियंस है किसी भी मेस या फिर स्कूल में हेल्पर के तौर पर काम करने का, वे जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। अगली जो पद है मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी कि सबसे लास्ट जो पद निकाली गई है मल्टीटास्किंग स्टाफ की निकाली गई है, जिसमें पे लेवल 1 के आधार पर आपको जो है वेतन देखने को मिलेगा। 18 से 30 वर्ष तक के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो भर्ती निकाली गई है इसमें केवल 10वीं कक्षा पास यहाँ पर मांगा गया है। तो जिन अभ्यर्थियों की योग्यता 10वीं कक्षा पास करने का है, वे जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वहीं बात करें एज रिलैक्सेशन के बारे में, आयु सीमा के छूट के बारे में, तो एससी और एसटी वाले अगर अप्लाई करते हैं तो 5 साल का उनको उम्र सीमा में छूट मिलेगा। ओबीसी वाले अप्लाई करते हैं तो 3 साल का जो है उनको उम्र सीमा में जो है छूट मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो अभ्यर्थी पहले से नवोदय विद्यालय समिति में काम कर रहे हैं और मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत करते हैं, तो उनको 5 साल का एक्स्ट्रा से उनको जो है उम्र सीमा में छूट यहाँ पर देखने को मिलेगा। उस संबंध में जो है जानकारी यहाँ पर दी गई है। साथ ही साथ बात करें चयन की प्रक्रिया के बारे में, तो ये जितने भी पद यहाँ पर निकाले गए हैं इस पद की भर्ती में जो है कम्पिटेटिव एग्जाम यानी कि लिखित परीक्षा और उसके बाद इंटरव्यू होगा और उसी के आधार पर जो है अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। कुछ ऐसे पद यानी कि जिनमें कंप्यूटर मांगा गया है तो उनका जो है स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा। तो जो भी परीक्षा है यहाँ पर आपकी लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर जो है सभी पदों में जो है चयन किया जाएगा। 1377 पदों की जो भर्ती यहाँ पर निकाली गई है, तो जिन पदों में कंप्यूटर मांगा गया है उनमें स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट जो है लिया जाएगा और बाकी सभी में लिखित परीक्षा और उसके बाद इंटरव्यू के बाद जो है चयन किया जाएगा। तो जो भी लिखित परीक्षा का जो आयोजन है यानी कि कंपिटेटिव एग्ज़ाम का जो आयोजन है कौन से स्टेट के अंतर्गत कौन से शहरों में किया जाएगा उसके बारे में जो है यहाँ पर सूची में जो है बताया गया है। अगर आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं तो छत्तीसगढ़ में जो है यहाँ पर रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर के अंतर्गत जो है यहाँ पर आपको एग्ज़ाम सिटीज़ जो है देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप किसी दूसरे लोकेशन से जो है यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, दूसरे स्टेट के रहने वाले हैं, तो अपने स्टेट के अनुसार जो है सिटीज़ को जो है देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक मिल जाएगा, जहाँ से जा करके जो है आप इनकी ऑफिशियल PDF की फाइल को जो है डाउनलोड कर पाएंगे। वहीं बात करें जो भी लिखित परीक्षा होंगी यानी कि एग्ज़ाम लिए जाएंगे, तो उनके जो भी परीक्षा के पैटर्न होंगे, क्या क्या सिलेबस होगा उसके बारे में भी जो है बताया गया है। तो हर एक पद के लिए जो है अलग अलग तरह के सिलेबस को यहाँ पर बताया गया है। तो सिलेबस को जो है आप पद के अनुसार जो है अच्छे से देख सकते हैं, जिसके लिए आप PDF फाइल को जो है डाउनलोड कर पाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है यहाँ पर मिल जाएगा। वहीं बात करें आवेदन शुल्क के बारे में, तो इस भर्ती के लिए जो है भी अभ्यर्थी आवेदन जो है प्रस्तुत करना चाहेंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके जो है आवेदन प्रस्तुत यहाँ पर कर पाएंगे। और आवेदन प्रस्तुत करने के लिए जो है यहाँ पर आवेदन शुल्क के बारे में भी जो है बताया गया है। अगर अभ्यर्थी फीमेल स्टाफ नर्स के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत करते हैं और जनरल कैटेगरी के हैं, तब उनको 1500 रुपये का जो है आवेदन शुल्क यहाँ पर लगने वाला है, क्योंकि इसमें जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 1000 रुपये का लगेगा और प्रोसेसिंग फ़ीस 500 रुपये लगेगा। तो इसी हिसाब से जो है 1500 रुपये का जो है आपको आवेदन शुल्क लगेगा अगर आप जनरल वाले हैं, OBC वाले हैं तब की कैटेगरी में। और वहीं अगर आप SC या फिर ST के हैं तब आपको 500 रुपये का जो है यहाँ पर आवेदन शुल्क जो है लगने वाला है, तब आप जो है इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। वहीं बाकी सभी पद जो कि फीमेल स्टाफ नर्स को छोड़ करके बाकी पद के लिए अगर आप आवेदन प्रस्तुत करते हैं और आप जनरल के अभ्यर्थी हैं, OBC के अभ्यर्थी हैं, तब आपको 1000 रुपये का जो है आवेदन शुल्क लगने वाला है। और अगर आप SC या फिर ST कैटेगरी के हैं तब आपको 500 रुपये का जो है आवेदन शुल्क यहाँ पर लगने वाला है। उस संबंध में जो है जानकारी दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर बता दें कि जो भी अभ्यर्थी इसमें से किसी भी पद के लिए 14 अलग अलग तरह के पदों पर जो है भर्ती की जा रही है, टोटल 1377 पदों पर भर्ती की जा रही है, उसमें जो भी परीक्षाएं लिए जाएंगे तो परीक्षा में 1/4 का जो है माइनस मार्किंग जो है आपको देखने को यहां पर मिलेगा। तो जो भी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखेंगे और इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह भी दिए गए हैं। तो ये थी जानकारी नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से निकाली गई 1377 पद की भर्ती की प्रक्रिया के बारे में।